Hello guys, welcome to Unacademy Studios Banking. My name is Narendra Kumar and in today's session we will discuss paragraph completion. ठीक है, ये टॉपिक का ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आई होप आपने सारे वीडियोस मेरे देखे होंगे. हर वीडियो को फॉलो करो. जिस टाइम पे और जिस पैटर्न में मैं आपको वीडियोस पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न में आपको फॉलो करना है. ठीक है ना, जब भी कोई टीचर कोई चीज़ पढ़ाता है तो उसका एक कोई ना कोई उसकी थीम होती है और वो थीम डिसाइड करता है टॉपिक्स के हिसाब से. रैंडम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, रैंडम लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन जो मेरा तरीका है वो क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज वैसे ही सबको परेशान करता है, तो एक काम करते हैं ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं. और सिंप्लीफाई ऐसे नहीं हो सकता है कि पढ़ाया और सिंप्लीफाई हो गया, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क जाता है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग जाती है और कुछ एक प्रोसेस है, तो टीचर को भी वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है एंड स्टूडेंट को तो और ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है. ठीक है ना, तो बी बोथ जब कंबाइंड फोर्स बन जाएंगे ना, तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज का डर आपके अंदर से निकल जाएगा और मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो प्रोसेस जो मैं अभी बता रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि रिमेंबर कि जो हमारा जिस पैटर्न में जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक ऑर्डर में आप पढ़िए. ठीक है, और अगर जैसे कि आज का टॉपिक है मेरा पैराग्राफ कंप्लीशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला सेशन है, तो इसका मतलब है ट्रिक्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, तो अगर अभी आप लाइव क्लास में आए हो तो वॉच यू कि आप इसको वॉच कीजिए, लेकिन इसका ट्रिक्स वाला पार्ट आपको जरूर देखना है. ठीक है ना, ओके चलो. तो अब मेरे को कुछ मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कितना लोग इस चीज़ को जानता है, ये वाले टॉपिक को, पैराग्राफ कंप्लीशन को. ठीक है, जिन लोगों ने ट्रिक्स पढ़ा है वो बताओ. अच्छा, इतना कमेंट सेक्शन में लिखो कितना लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है एंड उनको ट्रिक्स पता चल गई हैं. अच्छा, अगर ट्रिक्स पता चल गया तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिक्स मैंने कितना बताया था, अप्रोच कितना बताया था और वो कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, उनके नाम बता सकते हो क्या? ठीक है भाई, आपको याद रखना चाहिए ना, आप खुद को भी चैलेंज करो कि भाई मैंने पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ याद रहता है कि नहीं. अगर याद नहीं रहता है दिस समथिंग रॉन्ग. थोड़ा बहुत याद है तो एफर्ट तो चल रहा है लेकिन परफेक्ट एफर्ट नहीं जा रहा है. ठीक है ना, ऑलवेज ऑलवेज एनालाइज योर परफॉर्मेंस. कितना वॉच कर रहे हो, कितना रीड कर रहे हो, कितना मार्क्स आ रहा है, एनालाइज जरूर करना है आपको. ठीक है ना, चलो याद रखते हैं. तो ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीशन है. टॉपिक कैसा होता है कि एक हमारे पास पैराग्राफ होता है और उसकी लास्ट लाइन, मिडिल लाइन या फिर ओपनिंग लाइन मिसिंग होता है. वी आर सपोज टू कंप्लीट द पैराग्राफ. ठीक है, यूजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शंस. फाइव ऑप्शंस होते हैं उस गैप को फिल करने के लिए, वो पैराग्राफ कंप्लीशन होता है. ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चंस क्या करते हैं स्टूडेंट्स लोग, इस क्वेश्चन को मतलब छोड़ ही देते हैं, लीव कर देते हैं. ठीक है, बट मेरे तरीके से चलोगे तो कभी लीव नहीं करोगे, यू विल फाइट एंड यू विल बी द विनर. ठीक है ना, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ही मिलेगा. चलो, बिफोर वी स्टार्ट, That's my intro. Okay, my name is Narendra Kumar, and ये देख, ठीक है, and I have total 7 years of experience of teaching. ठीक है, लेकिन और एक important बात मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, Unacademy के बारे में आप क्या कर सकते हो कि मैं Unacademy पे एक साल तक पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर आपको English का problem रहता है तो आप subscribe कर लीजिए. आप मेरा ये coupon code use कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको coupon code के बारे में बता देता हूँ. ये आप देख पा रहे हो, नरेन लाई. ठीक है, तो जब भी आप सब्सक्राइब करो ये कूपन कोड आप जरूर लगाना, जिससे कि आपको मॉनेटरी हेल्प हो जाएगा, कुछ तो पैसे कम हो जाएंगे एंड आप है ना इंग्लिश के साथ साथ मैथ, ठीक है ना, रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट के टीचर्स को भी वहाँ पे स्टडी कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा. ठीक है, क्विज भी मिल जाएंगी एंड और आपको डाउट सेशंस मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप उसे करो और पढ़िए. देखो, अगर यहाँ पे देखो कितना लिखा है, 5000 दिखा रहा है बैंकिंग के लिए. ठीक है, तो सपोज अगर कूपन कोड लगाने के बाद में कोई चीज हमारे कितना हो रहा है, 4500 हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज इजी पार्ट. ठीक है, अब चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. ये तो रहा कि भाई आप सब्सक्राइब कर लो और टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, ये सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, तो वी नीड टू मेक इट क्लियर. अब यूट्यूब पे क्या होता है कि डाउट नहीं आ सकता यार, डाउट को नहीं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो उसमें आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट सा डाउट है, बहुत जो लॉजिकल डाउट है, वो पता चला कि वो कमेंट्स में खो गया. That's why we need plus courses, जहाँ पे आप ट्यूटर के साथ में वन टू वन बात कर सको एंड अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको और आपके अंदर कन्विक्शन आ जाए कि आप भी कर सकते हो, यू कैन डू इट. ओके चलो, ये हमारा टॉपिक है, टॉपिक पे वापस आते हैं. तो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू सॉल्व पैराग्राफ कंप्लीशन. देखो, ट्रिक्स वाला पीडीएफ में, ट्रिक्स वाला जो मेरा सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जिन लोगों ने पहले देखा हुआ है मैं उनको रिविजन हो जाएगा एंड जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग भी सुनो कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं क्विकली.
लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द सेशन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि मेरी जो हर सेशन की जो 15 मिनट होते हैं 10 मिनट होते हैं शुरू वाले, वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई टेल अ स्टोरी फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो अगर आपने वो स्टोरी सुनी है तो नेक्स्ट वन आवर नेक्स्ट टू आवर्स आपको सब समझ में आएगा, मजा आएगा. तो वो स्टोरी अगर आपने मिस कर दी है तो आप दोबारा से वो वीडियो जरूर देखा करो, ठीक है ना. और वो स्टोरी सुन के ही आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है. तो कुछ मेरी कॉमन बातें होती हैं, कुछ नई बातें होती हैं, और कॉमन बातें हैं जो हर टॉपिक में लगती है, और कुछ उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए स्पेशल बातें होती हैं, ठीक है. तो इन सब बातों को बार बार वीडियो वॉच करने के बाद नोट्स बना कि नरेंद्र सर की क्लासेस में मैंने पैरा जंबल पढ़ा तो ये टॉपिक है, ये ट्रिक्स थी, उसको लिखो. पैराग्राफ कंप्लीशन जो आज का टॉपिक है इसकी ये ट्रिक्स हैं. मैंने स्टेटमेंट क्वेश्चंस पढ़ा रखे उसकी ये ट्रिक है, ठीक है ना. इन्फ्रेंस की एक ऑड बन आउट का ये ट्रिक है. सबका अपना भी बनाओ. मैं तो बना के यहाँ पे दिखाई रहा हूँ आपको. अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत पावरफुल होते हैं. आईएएस एग्जाम जो लोग देते हैं, आईएएस बनते हैं, जो लोग यूपीएससी एग्जाम देते हैं, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स का बहुत वैल्यू है. जो लोग आईएएस बन गए, ठीक है, उनसे बात करो या उनके वीडियोस देखो. अनअकैडमी पे तो बहुत सारे लोग हैं, रोमन सर खुद भी है, ठीक है. आप इनका इनके वीडियोस देखो, वो लोग आपको बताएंगे हैंड रिटन नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है. तो आप भी है ना वीडियोस से अपने नोट्स बनाया करो. एक एक पूरा डेडिकेटेड कॉपी बना लो आप इंग्लिश का, और उस पर नरेंद्र सर लिख लो, इंग्लिश क्लास अनअकैडमी लिख लो. अनअकैडमी यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाने वाला हूँ और अनअकैडमी प्लस भी पढ़ाने वाला हूँ. तो अगर आप सिंसियर हैं तो दोनों जगह कंप्लीटली फॉलो कीजिए, और तब तक फॉलो कीजिए जब तक कि आपका जॉब नहीं लग जाता, ठीक है ना. योर लर्निंग इज नेवर कंप्लीट, रिमेंबर, ठीक है. अगर आपको सिर्फ जॉब लेकर के अपनी लाइफ सेटल होना है तो ठीक है, जब तक जॉब नहीं मिल जाता तब तक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको बार 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 जैसे लूप पे हम गाना सुनते हैं ना, बार बार कोई गाना हमें पसंद आ जाता है, सेम तरीके से टॉपिक सुनते रहो. एक बार पढ़ने के बाद में बैठ मत जाना, नहीं तो लाइफ टाइम बैठे ही रहोगे. एक बार पढ़ लिया फिर एकदम से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाओ सेम टॉपिक फिर से. तो जब तक सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो जाती है. मैंने ये गलती की स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है, तो आपसे ये गलती ना हो जाए इसीलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ. एक टीचर को हमेशा पता होता है कि कौन सी गलती बच्चे लोग करते हैं और कौन सी गलती नहीं करते हैं, एंड किसका सिलेक्शन होता है किसका सिलेक्शन नहीं होता है. हमें हमको सब पता चल जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्जर्व किया होता है तो पता चल जाता है. तो आपसे वो गलती ना हो कि सिर्फ सिलेबस करने वालों को जॉब नहीं मिलती है, सिलेबस करने के बाद 3 बार 4 बार 10 बार रिविजन करने से जॉब मिलती है भाई, ठीक है. अब घर पे खुद कर सकते हो ग्रेट, नहीं तो फैकल्टी के साथ में बने रहो. वो जहां भी पढ़ाए, जहां जहां जाए वहां पे आप भी चले जाओ. तू जहां चले वहीं मेरा साया, ऐसा कुछ गाना ना बॉलीवुड का, तो समथिंग लाइक दैट. टीचर को तब तक मत छोड़ो जब तक आपको जॉब नहीं लग जाता. हाँ, अगर आपको टीचर पसंद आ रहा है और उसकी ट्रिक्स आपको पसंद आ रही है तो उस टीचर को कब निचोड़ के उसका जो लर्निंग है, उसका जो अप्रोच है, अपने अंदर समा दो, ठीक है ना. चलो, तो मैं आपको एक टॉपिक ले चलता हूँ. मेरा टॉपिक है पैराग्राफ कंप्लीशन. तो ये टॉपिक का नाम तो आपको पता चल ही रहा है, ठीक है. तो इसके बारे में मेरी स्टोरी सुन लो आप लोग. स्टोरी क्या है कि जो एक जो लास्ट लाइन मिसिंग होती है ना, एक पैराग्राफ है ये, इसकी जो लास्ट लाइन है ये मिस हो गई है, और इसको लास्ट लाइन को फिल करने के लिए 5 ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं, और मेरे से बोला गया है कि कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द ऑप्शन, कोई सा एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है. तो मैं एक चीज करता हूं, मैं हमेशा इलिमिनेशन मेथड में बहुत यूज करता हूं कि मैं देखता हूं ये ऑप्शन तो पक्का गलत है भाई, इसको भगाओ. तो आउट ऑफ 5 अगर आप 3 ऑप्शन भगा दिया, 2 ऑप्शन भगा दिया, अगर 4 ऑप्शन भगा दिया, तो 4 भगा दिया तो आंसर आ ही गया. लेकिन आउट ऑफ 5 आपने 3 इलिमिनेट कर दिया तो यू आर लेफ्ट विथ 2 choices, ठीक है. तो एक करेक्ट आंसर 5 में से चूज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 में से चूज करना आसान हो सकता है. वी कैन इजिली कंपेयर 2 remaining options, राइट, ठीक है. तो उस चीज को फॉलो करो. तो चलो, कौन सी चीजें आपको याद रखनी है कि देखो, जो ये क्या है, जो लास्ट लाइन जो पैराग्राफ की होती है, दैट इज ऑलवेज कंक्लूजन. एंड कंक्लूजन मीन्स मतलब नो न्यू थॉट. कंक्लूजन में नया थॉट कभी नहीं आता, कंक्लूजन में वही बात आती है जो ऊपर लिखी हुई थी. ऊपर मींस पैराग्राफ में लिखी हुई थी, मींस पैराग्राफ में जो कीवर्ड थे ना, वही हमारा पूरा का पूरा आता है. अच्छा, तो अगर आपने नोटिस किया कि नीचे ऑप्शन में एक नया वर्ड आ गया है जो पूरे पैराग्राफ में डिस्कस ही नहीं हुआ था, आपको वेट, दिस ऑप्शन रूल्ड आउट, ठीक है ना. तो ये वाली बात हो गई, नो न्यू था इसको भाई. तो एक ऑप्शन को हम इसलिए भगा देंगे क्योंकि वो नई बात कर रहा होगा, नई बात, नया इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा होगा, ठीक है. सेकंड देखो, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब देखो
my paragraph is about, let's say, is about women empowerment in India. ठीक है ना, ये इसके बारे में पैराग्राफ लिखा हुआ है और वुमेन एम्पावरमेंट को क्या क्या एक्ट लगाए हुए हैं, क्या क्या पार्लियामेंट में हुआ है और सोसाइटी में क्या क्या चेंज आए हैं, और ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के मेरा आर्टिकल ऊपर लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ राइटर ने लिखा है. तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो चाइल्ड मैरिज के बारे में, मतलब कि चाइल्ड मैरिज के बारे में, चाइल्ड अब्यूज के बारे में नहीं होने चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में होने चाहिए. ठीक है ना, तो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देना है उसमें. स्पोर्ट्स की बात नीचे अगर डाल दोगे वुमेन एम्पावरमेंट में, ठीक है ना, तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा. आपकी लास्ट लाइन शुड बी रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट ऑनली. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. इररिलेवेंट मतलब नॉट रेलिवेंट. ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगा यार कि ये वाला वर्ड तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये तो काने में था ही नहीं. ठीक है, हम उसको भगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे. ठीक है, मैं आपको एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ. और एलिमिनेशन देखो, नॉर्मली लोग क्या बताते हैं कि आपको पैराग्राफ कंप्लीशन पढ़ना है तो वॉट यू डू, रीडिंग हैबिट्स वर्क कर लो. देखो रीडिंग हैबिट चाहिए, विदाउट रीडिंग तो आप ये वर्ड मीनिंग कैसे निकालेगा, विदाउट रीडिंग आपका स्पीड कैसे बढ़ेगा. लेकिन रीडिंग हैबिट भी रखो, प्लस मेरे पास 1, 2, 3, 4 नहीं 10 डिफरेंट अप्रोच है. ठीक है ना, वो पूरे यूट्यूब पे आपको ये कहीं नहीं मिलेगा. इतने जो 10 डिफरेंट अप्रोच है इनको लगाओ, और इनमें से 10 में चाहिए सारी लगानी है, कोई से 2-3 लगा कर आपको आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है इस टॉपिक के लिए. आईपीएस का मेंस में आ सकता है, आरबीआई के मेंस में आ सकता है, हो सकता है कभी प्रीमियम भी पूछ ले. क्योंकि दीज ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन, SBI, RBI, इंश्योरेंस एग्जाम्स, दे आर IPS, ऑफकोर्स दे आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑल द टाइम. सो वॉट यू कैन डू, नथिंग इज श्योर, परमानेंट कुछ नहीं है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन बदल सकता है. कोई प्री वाला मेंस में आ जाए, मेंस वाला प्री में आ जाए, तो मेरे से लोग पूछते हैं सर मेंस के लिए कुछ बता दो. आज ही मेरे से कोई पूछ रहा था कि सर मेंस का आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो. मैंने कहा भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं है, कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट न्यू पैटर्न क्वेश्चंस को जो अभी तक आ रखे हैं उनको आप सॉल्व कर लो, सबकी ट्रिक सीख लो और कंप्लीट रेडी हो जाओ. पता नहीं एग्जाम में क्या पिकअप करने वाला नेक्स्ट टाइम. ठीक है, तो बैंक एग्जाम्स बड़े अनप्रडिक्टेबल हो गए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश वाला पार्ट. ठीक है, तो मैं तो आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपकी फंडामेंटल जो स्किल्स बना के दे रहा हूं, मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग करा रहा हूं कि उसके बाद से ना आप है ना कुछ या तो पुराना कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे भी सही कर दोगे, और नया वाला है उसके लिए भी आपके अंदर स्टेमिना बना हुआ है, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है. आप नया क्वेश्चन देखते ही अपनी मेरी ट्रिक्स के थ्रू उसकी ट्रिक बना लोगे. मैं वही करता हूं, मेरे को जब भी कोई नेट पर क्वेश्चन मिलता है ना, जब मैं किसी बुक में देखता हूँ या फिर किसी एग्जाम में आता है, तो मेरे पास जो मेरी बेसिक स्किल्स है, मेरी जिसने पढ़ाता हूँ उन्हीं को यूज करके उसका भी नेट ट्रिक बना देता हूँ. तो मैं आपको इतना एम्पावर कर दूंगा 1 साल के अंदर में, 6 मंथ्स के अंदर में, कि आप खुद ट्रिक्स बनाओगे. मैं चाहता हूँ मैं एक टीचर हूँ, मेरे थ्रू 1000s ऑफ टीचर बन जाए. आप खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ. ठीक है, आगे बढ़ो, खुद आगे बढ़ो, दूसरों को आगे बढ़ाओ. अपनी जॉब ले लो, टीचर नहीं बनना है आप जॉब ले लो. ठीक है, बट इंग्लिश सेक्शन जो सबको प्रॉब्लम करता है, ठीक है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा. आ जाओ भाई, डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट, जो जो लास्ट लाइन है ना वो क्या है कि थॉट को डिस्टॉर्ट नहीं, मतलब चेंज नहीं करना चाहिए. ठीक है, अब मेरे ऊपर कहानी में लिखा हुआ है कि वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और ऐसा ना हो कि वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे एक ऑप्शन में नीचे वुमेन एम्पावरमेंट तो लिखा हुआ, लेकिन वहां पर लिख दिया श्रीलंका, पाकिस्तान लिख दिया. अरे नहीं, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही थी तो उसको चेंज मत करो, कॉन्टेक्स्ट मत चेंज करो. डू नॉट डिस्टॉर्ट द स्टोरी, डू नॉट चेंज द स्टोरी. तो एक ऑप्शन होगा जो डिस्टॉर्ट कर रहा होगा, जब भी मुझे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, देखो ये डिस्टॉर्शन है, ये हमारा इररिलेवेंट है, ये न्यू थॉट है, मैं सब दिखाऊंगा आपको. तो मेरी कहानी सुनते चलो, स्टे विद मी, रिलैक्स, कॉफी चाय बोल लो घर पे, पीते रहो, खाते रहो और कहानियां सुनते रहो. खाते पीते कब जॉब लग जाएगा पता भी ना चलेगा. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 दिन वॉच किया उसके बाद छोड़ दिया, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है भाई. तो अगर इरादा मजबूत है तो डिसिप्लिन लेके आओ. ठीक है ना, हर किसी को, टीचर के अंदर भी डिसिप्लिन होता है तब जाकर के वो सारी चीजें क्रिएट करता है. स्पोर्ट्समैन के अंदर तो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होता है तब जाके वो ग्रेट बनते हैं. अगर एज ए स्टूडेंट आप चाहते हो घर बैठे अभी टिकटॉक करने से, अगर मेरे को वीडियो बनाने से अगर मेरा जॉब मिल जाता है मजे लेने से, कपिल शर्मा शो देखने से, तो सॉरी ऐसा नहीं हो सकता है. वी नीड टू रिस्पेक्ट, वी नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट द प्रोसेस एंड द डिसिप्लिन पार्ट, और जो टीचर बोल रहा है वो सब सुनो. तो बेसिकली बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना आपका इरादा. ठीक है, कच्चा इरादा है तो छोड़ जाओगे, पक्का इरादा है तो लगे रहोगे जब तक हो नहीं जाता है, जब तक ट्रिक सीख नहीं सकते हो. तो देखो भाई,
ये देखो कंक्लूजन नॉट रिपीटेशन. अब पता क्या है, ये कंक्लूजन और रिपीटेशन समझो. रिपीटेशन क्या होता है, ऊपर वाली बात को रिपीट करना. तो लास्ट लाइन शुड नॉट बी रिपीटेशन, ठीक है ना. लास्ट लाइन शुड बी कंक्लूजन. एंड कंक्लूजन मीन्स कि ऊपर जो बात लिखी है उसी से मिलता जुलता वाला वर्ड सेंटेंस नीचे आना चाहिए. लास्ट लाइन में नया थॉट नहीं होना चाहिए, लास्ट लाइन में इररिलेवेंट बात नहीं होनी चाहिए, लास्ट लाइन डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, लास्ट लाइन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए. तो ये तो अभी तक हमने इतना देखा, दिख रहा है आपको, ये अभी तक हमने पढ़ के देखा. मैं साइड हो जाता हूँ, आप आराम से देखिए स्क्रीन, दिख रहा है सबने पढ़ लिया, डन. चलो अब मैं आगे आपको नई बात बताता हूँ. चलो ये देखो, हमने पांच ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, एलिमिनेट करना है, क्रॉस करना है. अब मैं आपको और पांच बताता हूं. इन सबको मैंने कह रहा ये सारा ट्रिक्स लगने वाला एक ही क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आपको 10 वेपन्स दे दिए हैं. इनमें से कोई सा भी यूज करो और ऑप्शन को शूट कर दो, एलिमिनेट कर दो. आप बोलो कि यार ये चार ऑप्शन को भगाना है और मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है. चलो स्कोप एंड टॉपिक, ये चीज सीखो. स्कोप और टॉपिक क्या होता है, देखो अगर एक राइटर जब पैराग्राफ को लिखता है तो उसके दिमाग में एक टॉपिक होता है, तो वो टॉपिक चेंज नहीं होना चाहिए. ऊपर कहानी वुमेन एम्पावरमेंट की थी और नीचे लोग कहानी, मैंने बोला ना सपोज क्या नाम है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जो हिस्ट्री में जो हमारा था, अगर तो क्या इस टॉपिक चेंज नहीं करना है हमको, ठीक है ना. तो स्कोप चेंज नहीं होना चाहिए. अब देखो 7 नंबर स्केल, ये मैंने पढ़ा रखा है आप सबको, लेकिन मैंने बोला ना बार बार सुनो, कभी नुकसान नहीं करेगा भाई. अब सुनो स्केल क्या होता है, अगर आप स्केल जानते हो तो मुझे बताओ. स्केल क्या होता है कि देखो राइटर है ना, सपोज कि अगर इंडिया की बात कर रहा है, ये वाला सर्कल क्या शो कर रहा है, इंडिया को, ठीक है ना. राइटर ने जो जो इन पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक पैराग्राफ लिखा है और हमारा ऑप्शन नीचे जाकर के वो सिर्फ बोल देता है, क्या बोल देता है, लेट्स से कि कोलकाता बोल देता है, ठीक है. तो यार ये तो छोटा हो गया ना, स्केल चेंज हो गया. स्केल क्या था, पूरा इतना बड़ा इंडिया, और मैंने क्या कर दिया, कोलकाता इतना सा. तो स्केल चेंज नहीं करना है. राइटर ने जितनी बड़ी बात बोली है उतनी ही बड़ी बात हमारी लास्ट ऑप्शन में आनी चाहिए. मैं आपको दिखाऊंगा स्केल कैसे चेंज होता है, ठीक है. चलो भाई ये क्रॉस लगा दिया. द टोन ऑफ द राइटर, टोन मतलब राइटर अगर किसी पैराग्राफ को पॉजिटिव सेंस में लिख रहा है तो पॉजिटिव आंसर होना चाहिए नीचे वाला, नीचे निगेटिव मत करो उसको, ठीक है ना. तो कहानी को चेंज मत करो, उसकी टोन खराब मत करो. राइटर अगर हैप्पी है तो उसको सैड मत करो नीचे ऑप्शन में ले जा करके, हम इसलिए भी इसको कैंसल आउट कर देंगे. और देखो भाई नेक्स्ट देखो, मेंटेन द कंटिन्यूटी. हाँ ये तो आप समझ में आ गया होगा, देखो कि कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, मतलब कि व्हेनेवर वी राइट अ पैराग्राफ ना, व्हाट वी डू, वी राइट सेंटेंसेस, लेकिन ऑल सेंटेंस आर इंटररिलेटेड. एक सेंटेंस आया उसके बाद एक नई बात आती है, फिर एक नई बात आती है, फिर एक नई बात आती है, तो वो क्या कंटिन्यूटी जा रही होती है. ऐसा ना हो कि यहाँ पे खाने पीने की बात चल रही है और अचानक से क्रिकेट की बात आ गई. मतलब अगर खाने की बात चल रही तो कंटिन्यूटी वो भी खाने की बात ही आनी चाहिए, ठीक है ना. तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए. चलो भाई इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे. अब आ जाओ, थॉट शुड बी स्पेसिफिक, ठीक है, नॉट जेनरिक, ठीक है. ये भी सुन लो आप लोग, आप लोग मेरा सेशन देखते रहते हो तो ये सारी बातें आपने सुन रखी हैं, आपको बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा होगा और आपको लग रहा होगा यस आई नो एवरीथिंग. और एटलीस्ट अगर आप दोबारा मेरा सेशन देखने आए हो तो थैंक यू फील करो, खुद को थैंक यू बोलो कि यू आर मेकिंग अ गुड डिसीजन बाय लर्निंग दिस ट्रिक्स, एंड इस तरीके से आपके अंदर से डर चला जाएगा और आपके मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना. तो जो बोलते थे ना यार इंग्लिश परेशान करता है, ये स्टेटमेंट आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना. तो आप एक अच्छा चॉइस बनाए हो, कंटिन्यू करो इसको. अब लास्ट ऑप्शन देखो, थॉट शुड बी स्पेसिफिक नॉट जेनरिक. स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट और जेनरिक मतलब नॉर्मल बात बनना. तो मेरा जो लास्ट लाइन है ना वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, जनरल बात मत बोल के जाना, ठीक है ना. चलो मैं आपको दिखाऊंगा स्पेसिफिक जनरल वाला क्या बात है. तो ये मेरी कुछ ट्रिक्स थी, ठीक है. नो न्यू थॉट, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं, एजम्पशन. हाँ देखो ये मिस हो गया था, इसको डिस्कस करते हैं. एजम्पशन एक बचा है हमारे पास, एजम्पशन हमने डिस्कस नहीं किया था. एजम्पशन क्या होता है, अज्यूम करना,
आप रीजनिंग पढ़ते होगे ऑफ कोर्स बैंकिंग में, तो आपको पता है इंजप्शन क्या होता है। तो देखो राइटर ने जो बात लिखी है ना उस पे अज्यूम करके कुछ भी मत बना दो, हमेशा फैक्ट फाई रहो, ठीक है ना। राइटर ने लिखा हुआ है कि देर वर फाइव फ्रेंड्स एंड दे वर सिटिंग इन अ बार एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल, ठीक है, इतनी कहानी लिखी हुई है। और पता है एक ऑप्शन में लिखा हुआ है कि देखे दे माइट हैव फॉट विद ईच अदर एंड दे किल्ड ऑल ऑफ देम। तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ उन्होंने खुद को दारू पी लिया, तो इसके मतलब उन्होंने खुद को मार दिया होगा और एक दूसरे को और सारी दुनिया को मार दिया। तो ये अज्यूम्पशन हो गया, ठीक है। बी डू नॉट अज्यूम इन पैराग्राफ कंप्लीशन क्वेश्चंस, लास्ट लाइन शुड नॉट बी अज्यूम्पशन। अगर अज्यूम्पशन कभी होगा मेरे ऑप्शन में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारी ट्रिक्स थी एक्चुअली, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब सारे लोग इस क्वेश्चन को चलो सब लोग चेक करो। तो आपके पास देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, आप डर रहे होगे ना कि सर ये तो आप देखते हैं हम लोग भगा देंगे, लेकिन डरना नहीं है। रीड करो और कीवर्ड्स को नोटिस करो कि इसमें बड़ी बड़ी बातें क्या लिखी हुई हैं, कहानी क्या लिखी हुई है, ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि फिर अपने हम नीचे जो ऑप्शन है ना उनको इलिमिनेट करेंगे अपनी वो 10 ट्रिक्स लगा करके, 10 डिफरेंट वेपन्स जो मैंने आपको दिया है उनको हम यूज करेंगे। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यस आपको दिख रहा है। देखो साथ में रीड करता है और मैं समझाता भी चलूंगा आपको, ठीक है। चलो नीति आयोग मेंबर विवेक देबरॉय सजेशन टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड हैज मेट विद प्रेडिक्टेबल हॉल्स ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो नीति आयोग का मेंबर है इसने है ना एक सजेशन दिया था, क्या कि एग्रीकल्चर इनकम होती है उसको टैक्स लगाते हैं, मतलब किसानों के ऊपर टैक्स लगाना है हमको, उन्होंने ये सजेशन दिया था। तो क्या है कि वो प्रोटेस्ट हो रही है, तो किसान लोग बोल रहे हैं यार आप बताओ किसानों की इनकम पे आप टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रॉम द रूलिंग पार्टीज फार्मर्स विंग, ठीक है। एग्रीकल्चर टू कोट द प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी किसान मोर्चा वीरेंद्र सिंह इज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, तो बीजेपी का किसान मोर्चा का जो प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सिंह वो कह रहा है कि एग्रीकल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको, एग्रीकल्चर इज वे ऑफ लाइफ, इर्गो कैन यू टैक्स अ वे ऑफ लाइफ, कह रहा है कि वे ऑफ लाइफ को आप टैक्स कर सकते हो क्या, ठीक है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू हैज बीन क्विक टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम डेब्रॉय पर्सनल व्यूज, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने अभी खुद को दूर कर लिया है, वो उसके पर्सनल व्यूज थे, ठीक है। विद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली स्टेटिंग दैट द सेंटर नाइदर हैज पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर प्लान्स टू इम्पोज एनी टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर, और अरुण जेटली साहब ने बोला है कि सेंटर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है इंप्लीमेंट करने की, रूल्स लेके आने की रिगार्डिंग दिस एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के, ठीक है ना। चलो ये कहानी है, तो कहानी में क्या समझ में आया आपको, देयर इज वन गाय, क्या नाम है, विवेक देबरॉय, ये कौन है, नीति आयोग का मेंबर है, और इसने बोला है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाते हैं, लेकिन एक बंदा है देखो ये कौन वीरेंद्र सिंह, उसने बोला है कि एग्रीकल्चर इज वे ऑफ लाइफ और कैन यू टैक्स वे ऑफ लाइफ, ठीक है, ये बोल रहा है। फिर गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने बोले भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट से। चलो भाई ये कहानी है, अब हम देखते हैं ऑप्शंस 1, 2, 1, 2 और ये 3। देखो कुछ ये हमारे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 आपके सामने लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं आप खुद ट्राई करो, ठीक है। दिस इज 3 ऑप्शन है, जल्दी से रीड करो, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको तो मैं पढ़ा देता हूँ, आप सामने देखो, जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं जो पहले से इंग्लिश को जानते हैं पढ़ते आ रहे हैं क्लासरूम पढ़ा हुआ है, आप लोग ट्राई करो और क्रॉस करो, ठीक है, सही गलत कौन सा वाला लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन नई बात कर रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन इररिलेवेंट बात कर रहा है, ठीक है, कौन जेनरिक है, कौन स्पेसिफिक नहीं है, वो सारा अजम्पशन कौन कर रहा है, इसको टॉपिक याद है, स्केल एंड टोन, ये सारी बातें चेक करो। द टाइम हैज कम टू कॉल द ब्लफ ऑन दीज सो कॉल्ड फार्मर्स, ओके चलो, और मैं आपको लास्ट लाइन दिखा देता हूं, ठीक है ना, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, देखो नोटिस करो, कंटिन्यूटी देखना है, कंटिन्यूटी, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली स्टेटिंग दैट द सेंटर नाइदर हैज पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर प्लान्स। जेटली साहब ने बोला है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेंटर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, प्लान्स टू इम्पोज एनी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये वाली बात लिखी है। तो चलो अब मैं आके नेक्स्ट जाता हूं, तो आप देखो सच रिएक्शंस, आप देखो रिएक्शंस आई थी कि नहीं, नीति आयोग का मेंबर ने बोला था कि वी विल टैक्स एग्रीकल्चर इनकम,
और फिर किसानों ने और सब लोगों ने क्या रिएक्शन दिया हुआ था, तो मुझे ऐसा लग, रिएक्शन मीन्स प्रोटेस्ट, ओ दैट मीन्स कि लगता ये मिलता जुलता लग रहा है, उसी बात को रेफरेंस दे रहा है, इसको हम लोग इज्जत देने वाले हैं, इस ऑप्शन को हम लोग इज्जत देने वाले हैं, ठीक है। तो सच रिएक्शंस आर ओनली टू बी एक्सपेक्टेड इन अ कंट्री, ठीक है ना। मेरे को यहां से लगा सच रिएक्शंस मतलब द प्रोटेस्ट जो फार्मर कर रहा है रिगार्डिंग द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, सच रिएक्शंस आर ओनली टू बी एक्सपेक्टेड इन अ कंट्री वेयर नो पार्टी और गवर्नमेंट वांट्स टू बी परसीव्ड एज एंटी फार्मर, इवन इफ द प्रपोज्ड मेजर इन दिस केस विल मेक नो डिफरेंस टू द वास। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन किसकी आ रही है, अरुण जेटली साहब की रिएक्शन आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया ना, ठीक है ना, वी आर नो पार्टी और गवर्नमेंट वांट्स टू बी परसीव्ड। अरुण जेटली साहब ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा है, खुद को डिस्टेंस कर लिया इस स्टेटमेंट से, तो लगता है कि सच रिएक्शन मतलब मोदी जी की गवर्नमेंट का रिएक्शन और अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट की बात हो रही है मे बी। आओ चलो थर्ड देखते हैं, फॉर मैनी ऑफ देम Section 10 of the income tax, this is new thought, this is rolled out, नया thought बिल्कुल नहीं मांगता है, समझ गया कि नहीं। और देखो ये भी नया thought है, ये भी rolled out, मेरे को कुछ न कुछ तो बोलना है, तुझसे है मेरा नाता कोई, ऐसे कुछ गाना है ना, तेरा मेरा वास्ता कोई, तो मतलब कि कुछ न कुछ तो बात मेरी उसमें मिलना चाहिए, किस में मिलना चाहिए, पैराग्राफ में, रैंडम बात मत बोलो, तेरा मुझसे है नाता कोई, समथिंग लाइक दैट। तो देखो आपका, देखो ये सच रिएक्शंस मुझे लगता है या तो फार्मर के लिए आया हुआ है या फिर अरुण जेटली का और नीति आयोग मेंबर के लिए, उसके लिए किसी ना किसी का आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला वर्ड मुझे थोड़ा सा पावरफुल लग रहा था, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही टोटली गलत हो गया। तो 1 और 3 रूल्ड आउट, 2 अंडर कंसिडरेशन है, नेक्स्ट देखते हैं, 4 भी हमारे पास, 5 भी है, दिस इज ऑप्शन 4, दिस इज ऑप्शन 5, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। The voices of the opposition to the taxing of farm incomes today are primarily coming from politicians, Bollywood. Okay. Again, new thought. Sorry. Not interested at all. ये देखो, on the contrary, once we know the real incomes of the farmers, it is possible for the government to even supplement these through direct payment. No. डायरेक्ट पेमेंट वाली बात कुछ भी ऊपर नहीं आई थी, इसका मतलब है दिस वन इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं डिलीट करके आपको फिर से दिखाता हूं, ये वाला, सच रिएक्शंस आर ओनली टू बी एक्सपेक्टेड इन अ कंट्री वेयर नो पार्टी और गवर्नमेंट वांट्स टू परसीव्ड, बीजेपी गवर्नमेंट दे डोंट वांट टू बी परसीव्ड एज, कि लोग वो नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट ये नहीं चाहता है कि हमें, कि हमको लोग एंटी फार्मर समझे, ये वहां लिखा हुआ था, कहां पे लिखा हुआ था, पैराग्राफ में, तो इसीलिए वो पार्टी खुद को डिस्टेंस कर लेते हैं, तो उस स्टेटमेंट से उन्होंने खुद को डिस्टेंस दूर कर लिया, तो दिस इज माय करेक्ट आंसर। चलो तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो बड़ा सा दिख रहा था लेकिन हमने उसको तोड़ दिया कि नहीं, ठीक है ना। तो कभी भी डरना नहीं है, माजी द माउंटेन मैन मूवी देखा होगा आपने, बड़ा सा पहाड़ तोड़ दिया था हमारा, हम भी बड़ा पहाड़ तोड़ेंगे, उसने तो बहुत टाइम लगाया था, हम लोग सेकंड्स में तोड़ेगा, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है ना। तो बस उन जो माजी द माउंटेन मैन का जो करेज था, आप अपने अंदर भी करेज रखो कि यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप एवरेज हो तो दैट मींस होपलेस नहीं होना है, जस्ट लर्न माय ट्रिक्स, लर्न द वे आई अप्रोच लैंग्वेज एंड देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। आओ भाई चलो, वी हैव क्वेश्चन नंबर टू, AI समझते हो आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, न्यूज़पेपर पढ़ा करो भाई, हर चीज से आपको अपडेट रहना है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, लोग आगे निकल जाएंगे, और न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं हर क्लास में हाईलाइट करूंगा, और हो सकता है कि एक स्पेशल क्लास भी बनाऊं मैं न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है, कि हाउ न्यूज़पेपर कैन चेंज योर लाइफ इफ यू आर ए स्टूडेंट, आई विल मेक श्योर कि मैं एक वीडियो बनाऊं इस पे, पर फिलहाल ये वाली बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी लुक्स फॉर पैटर्न्स, लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट करता है, रिस्पॉन्सिस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कंप्यूटर कैन नॉट प्रोड्यूस अ यूनिक थॉट, बट ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर नया चीज नहीं हमें दे सकता, लेकिन बट इट कैन प्रोबेबली प्रिडिक्ट योर्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो रोबोट होते हैं या फिर जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो नई बात को दुनिया में क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग आपका बिहेवियर नोटिस करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं, कुछ ना कुछ कह सकते हैं वो लोग, बट इट कैन प्रोबेबली प्रिडिक्ट योर्स। द एंड रिजल्ट क्या है फिर,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ये जो लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एबल टू लर्न न्यू थिंग्स एट सच. अब नई चीजें आप सीखते हो एट सच, अब क्या जाने वाला है, एंड सच एबिलिटी टू साइमुलेट ह्यूमन थिंकिंग मीन्स इट कैन ऑल्सो स्ट्रीमलाइन आवर लाइव्स. ठीक है, बी में क्या लिखा है, द बिगिनिंग फॉर गूगल्स AI अपग्रेड. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, अब ये देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एट सच ब्रॉड स्पेक्ट्रम AI एप्लीकेशन मोर एक्सेसिबल एंड एवरीवेयर मशीन मोर इंटेलिजेंट एट सच अ स्पीड. देखो यहां पे लर्न करने की बात होती है, हम एक स्पीड पर लर्न करते हैं कि नहीं, ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स की भी एक स्पीड होती है टू लर्न थिंग्स, तो यहां पे एक्चुअली स्पीड वाला करेक्ट जा रहा है. लगा के देखो, आप यहां से रीड करो. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एबल टू लर्न न्यू थिंग्स एट सच अ स्पीड दैट. एक बात बताऊं, अगर आपको ग्रामर से इसको सॉल्व करना है तो देखो ये लिखा है ना सच, और सच के बाद में क्या आता है, दैट आता है. और देखो भाई ये दैट आया है, दिख रहा है आपको सच दैट. तो ग्रामर हेल्प कर सकता था, नहीं तो स्पीड और लर्निंग में वाला लिंक आ सकता था. तो ऑब्वियसली दिस इज माई करेक्ट आंसर. ठीक है ना, चलो भाई और देखते हैं. सब लोग देखो इसको, हाँ आपको दिख रहा है. ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ एंड कंटिन्यू करते हैं. देखो सब लोग रीड करो, पैराग्राफ कंप्लीशन टॉपिक चल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा है. मैंने आपको ट्रिक्स रिवाइज भी करा दिया है, और ट्रिक्स में बताया था कि भाई न्यू थॉट नहीं होना चाहिए, स्किल चेंज नहीं होना चाहिए, एंड कंक्लूजन होना चाहिए. ठीक है ना, तो इन्हीं चीजों पर हम लोग देख रहे हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 3, इट इज ऑब्वियस टूडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट इन सो फार एज हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्न्ड. ओके, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस इज सैक्रेड ऑब्लिगेशन अमेरिका हैज गिवन द नीग्रो पीपल अ बैड चेक, अ चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशियंट फंड्स. ओके, एक चेक की बात हो रही है, आई थिंक वो जो पैसे वाला चेक होता है. ठीक है ना, उसी को इन्होंने यूज किया हुआ लिखा है राइटर ने, और इनसफिशियंट फंड्स बता रहा है. ठीक है, और अमेरिकन गवर्नमेंट की बात आ रही है, और जो नीग्रो पीपल होते हैं, जो ब्लैक पीपल होते हैं, अफ्रीकन पीपल, उनके बारे में लिखा गया है. अमेरिका में दो तरह का पॉपुलेशन है ना, द ब्लैक गाय एंड द व्हाइट गाइस, तो उनका चलता रहता है आपस में. तो लगता है राइटर ने उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है. ठीक है ना, चलो अब चेक करते हैं, फिर से रीड कर लेते हैं अगर आपको समझ में आया हो. Obvious today America has defaulted on the promissory note insofar as the decision colors are concerned. Okay, instead of honoring the sacred obligation, तो अमेरिका ने जो उनको कुछ प्रॉमिस किया होगा ना, जो ब्लैक पीपल होते हैं उनको, ठीक है, अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक, लेकिन जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया, कुछ उनको उल्टा कुछ उनके साथ कर दिया है. ठीक है ना, उसके बारे में स्टोरी लिखी हुई है. ठीक है, और कुछ इनसफिशियंट फंड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और कोई चेक की बात हो रही है, तो इस चीज को हम लोग नोटिस करेगा, चेक करें. अब चलते हैं कि इस चीज को कंटिन्यू कौन करने वाला है, कंटिन्यूटी कौन मेंटेन करने वाला है. तो याद रखना, जो लाइन हमको एंड करती है ना, उस लाइन को लास्ट वाले को जरूर दिखा करो, क्या पता उसी का मिलता जुलता कुछ कंटिन्यू करेगा ना. आओ, हम यहां पे इनसफिशिएंट फंड्स लिखा हुआ है, तो आप लोग खुद आंसर करो एक्चुअली. ठीक है, आप लोग खुद आंसर करो मेदर. ठीक है, ये चेक करो क्या लिखा है, बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट. बैंकक्रप्ट कब होते हैं हम लोग, जब हमारे पास इनसफिशिएंट फंड होता है. जब हमारे पास पैसे नहीं होते तभी तो बैंकक्रप्ट होता है. तो दिस एंड दिस मेक सम सेंस, बट मैंने कहा है, मैं अपने क्लासेस में बोलता हूं कि ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए. आप ऑप्शन एक के साथ लगे कि हाँ बैंकक्रप्ट इनसफिशिएंट लगता है मेकिंग सेंस, बट सारे ऑप्शन को इलिमिनेट करो, ओनली देन बी श्योर. ठीक है ना, अबाउट योर आंसर. चलो, तो मैंने बोला ना, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्रोसेस, तो आपको भी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक्साइटमेंट में ऑप्शन ए लगा के निकली, पता चला ऑप्शन डी करेक्ट था. ठीक है, तो हम लोग यहां पे देखते हैं, वेरीफाई करते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं है. चलो बी को रीड करते हैं, बी को, ये हमारा अंडर कंसिडरेशन है अभी. सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेस ऑफ द फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस. ओके, इनसफिशिएंट फंड्स से बैंकक्रप्ट ज्यादा चला, ये भी चेक के बारे में बात कर रहा है, बट फंड की बात आ रही है तो वो बैंकक्रप्ट मेरे को दिख रहा है. स्टिल ए में पावर है. ठीक है ना, ओके,
This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. No. This is new thought. This is the case of new thought and rollout. Chalo bhai, D dekhte hain. In a sense, pata hai, is wali baat ko follow karke mere ko chahiye kuch yahan pe. इस बात के बाद वो फॉलो करते हुए इन अ सेंस वी हैव कम टू आवर नेशंस कैपिटल टू कैश अ चेक. इन अ सेंस वी हैव कम टू आवर नेशंस कैपिटल, ठीक है ना. नेशन की कैपिटल की तो बात ही नहीं कहीं पे हो रही थी. हटाओ भाई, अरे पुरानी बात को रेफरेंस दो ना भाई. रूल्ड आउट, ये भी दिस वन आल्सो रूल्ड आउट, नन ऑफ द अबव. तो मुझे लगता है मेरा ए वाला करेक्ट आंसर था. ये रहा, दिस इज माई करेक्ट आंसर, क्योंकि ये लास्ट वाली बात से मिलता जुलता चल रहा है. कंटिन्यूएशन, मैंने आपको बताया था कि द थॉट शुड बी कंटिन्यूएशन होना चाहिए. ओके ओके ऑल राइट. चलो भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है. हाँ, ये क्वेश्चन आ गया. चलो इसको चेक करते हैं सब लोग, इसको चेक करो. पॉलिटिशियंस मे बी करप्ट बट हैव टू सीक रीइलेक्शन. ओके, मतलब पॉलिटिशियन करप्ट हो सकते हो, क्या होते हैं यार, सारे नहीं लेकिन मोस्टली तो होते ही है ना करप्ट, आप सबको पता है. तो पॉलिटिशियंस मे बी करप्ट बट हैव टू सीक रीइलेक्शन, लेकिन उनको रीइलेक्शन आना पड़ता है, हर 5 साल बाद उनको रीइलेक्शन करना पड़ता है, होता है. एंड टू दैट एक्सटेंट आर अकाउंटेबल टू वोटर्स, लेकिन कहीं अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो क्या है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है वोटर्स के लिए. पूछो क्यों, अगर अभी 5 साल मैंने बहुत ज्यादा मजे ले लिए, मैंने बहुत लूटपाट कर ली, लेकिन अगर मैं पॉलिटिशियन हूं और पता चला कि मुझे पता है नेक्स्ट 5 ईयर मुझे फिर से आना है, तो कुछ तो मुझे डर रहेगा, शर्म रहेगी कि नहीं, समझा कि नहीं. तो बिकॉज वोटर्स के लिए हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वोटर मुझे थ्रो कर देगा नहीं तो, समझा कि नहीं. तो पॉलिटिशियंस मे बी करप्ट बट दे हैव टू सीक रीइलेक्शन, को रीइलेक्शन लिखना पड़ता है, इसलिए वो अकाउंटेबल है. थोड़ा बहुत वोटर्स के मांगते हैं, थोड़ा बहुत वोटर से डरते हैं वो लोग, समझ गया. ओके, बट ये बट बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग चीज है. बट हमेशा उल्टी बात लेके आता है, जो आपने बात कही है उसका कुछ डिफरेंट बात, अपोजिट बात लेके आता है. तो बट हाउएवर, ठीक है ना, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं कि इनके बाद अगर कोई बात लिखी है उसको नोटिस करो, क्योंकि बहुत सुप्रीम बात इनके बाद आती है, इन वर्ड्स के बाद में, मैं हमेशा नोटिस कराता हूं. ठीक है, तो क्लास करते रहो तो आपको सब पता चल जाएगा. बट सिविल सर्वेंट जानते हो, आईएएस ऑफिसर्स, बट सिविल सर्वेंट्स आर वर्चुअली अनसेकेबल. देखो, सेक का मतलब होता है फायर कर देना, मतलब जॉब से निकाल देना, और अनसेकेबल मतलब कि उनसे जॉब से नहीं निकाला जा रहा है. तो देखो, पॉलिटिशियन अगर आप हो तो थोड़ा बहुत तो डरोगे कि आपको जनता भगा सकती है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो क्या है, वर्चुअली अनसेकेबल, लेकिन उनको मतलब फायर करना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, अनअकाउंटेबल, और वो लोग क्या है, किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उनसे कोई ज्यादा पूछने वाला नहीं है भाई किसने क्या करा, उनको डर नहीं लगता. ठीक है ना, ओके. एंड वाइडली करप्ट, और वो बहुत बुरी तरीके से ज्यादा करप्ट होते हैं, जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि उनको डर नहीं है ना कि जनता थोड़ी उनको भगा देगी, उनको भगाने का कोई और मैकेनिज्म होगा, पर वो मैकेनिज्म हो सकता है इतना स्ट्रांग ना हो, इसलिए उनके अंदर किसी का डर नहीं है, इसलिए ना तो वो रिस्पॉन्सिबल है, वो करप्ट भी है. ठीक है, चलो. You cannot change this overnight. और इस thought को आप overnight change नहीं कर सकते. कौन सा वाला? ये IAS officers को fire करना बहुत जल्दी, ये roots जल्दी नहीं ला सकते हम. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकता है फिर. आओ वापस आओ. ठीक है, तो यहां पे एक info की कोई ना कोई यहां पे बात आने वाली है. अब वो बात क्या है, ये जो last की story है ना, इससे related होना चाहिए. Continuation of information. Let's check out which option respect the process of continuum of information. कौन सा ऑप्शन उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आओ चेक करते हैं. However, you can create jobs for no. यहां पर जॉब करने की कहानी, एम्प्लॉयमेंट के लिए बात है, हम तो नेता लोग और करप्ट आईएएस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं ना भाई. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये तो जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, हटाओ भाई, ये तो गलत है. सो गो इजी ऑन मेकिंग टेम्पररी वर्कर्स परमानेंट. ये वर्कर परमानेंट, अगेन ये हमारे स्कोप से बाहर है, स्केल चेंज हो गया, इररिलेवेंट हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया. ठीक है ना, ये दोनों गया भाई, चलो ये दोनों गया. अब चलो नेक्स्ट देखते हैं. हाँ,
But you can halt. Halt mala stop. Theek hai na? But you can stop the growth of unsecable. Wait. Unsecable word to upar aaya tha. Theek hai na? Ye dekhiye ye wala. But you can stop the growth. हम उनकी ग्रोथ रोक सकते हैं. हम IAS officers को फायर नहीं कर सकते बड़ी easily. लेकिन एक काम कर सकते हैं. We can stop their growth. हम उनको promotion नहीं देगा. But you can halt the growth of unsecable, unaccountable staff. तो this one making sense. समझा कि नहीं story? We cannot fire the civil servants, but we can stop their growth. ठीक है ना? और ठीक है ना, तो ये हम कर सकता है. तो दिस वन मेक सेंस. ठीक है, अब डी देखो. सो डिवाइस सेफगार्ड अगेंस्ट द फॉल्स एक्विजिशंस. ना, फॉल्स की बात ही नहीं हो रही है. नो, तो ये वाला करेक्ट आंसर है भाई. समझ गए? तो कई बार क्या है कि कीवर्ड से हम लोग करेंगे, वर्टिकल रीडिंग से कर सकते हैं, और जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए, नो न्यू थॉट, इस तरीके उससे भी कर सकते हैं हम लोग. तो और कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए. और जिन लोगों को ये पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको समझ जाओ कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर रीडिंग स्किल्स. मे बी यू हैव नेवर रीड अ न्यूज़पेपर. ठीक है, तो नाउ इट इज टाइम यू स्टार्टेड रीडिंग अ न्यूज़पेपर. और मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज में कहीं ना कहीं मुझे बताओ कि अगर आप सीरियस हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे कर सकते हैं. ठीक है ना, अब यहाँ पे YouTube के सेशन में अगर आप समझ सकते हो ग्रेट, नहीं तो Unacademy Plus पे आ जाओ. वहां पे मैं आपको वन ऑन वन आपको मैं सेशंस बताऊंगा कि कैसे इफेक्टिव न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और कैसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर उधर मिल सकता है. ठीक है, सारी चीजें इंटरनेटेड है. जस्ट बिलीव एंड स्टार्ट, डू नॉट क्वेश्चन. सिंपल सी बात है. ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो गया और देखते हैं. चलो इसको रीड करो, इसको रीड करते हैं. ओवर द लास्ट फ्यू डेज, दिख रहा है आपको सबको? हाँ दिख रहा होगा. Over the last few days, Delhi residents have been protesting against the government's approval for felling over 4,000 trees in South Delhi. Oh, ये South Delhi में, ठीक है, 14,000 trees को काटा जा रहा है और government का approval है. ठीक है ना, देख रहे हो मैं कैसे information को highlight कर रहा हूँ. आप भी सीखो इस तरह से highlight करना. ठीक है, only then you can apply my way of my tricks actually. ठीक है ना, इन एग्जाम्स इन सच क्वेश्चन. ओके चलो, तो ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, अब देखो ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स यार ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन. तो दिल्ली रेजिडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का अप्रूवल, गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दिया है, नोटिस दिया है. ठीक है, 14,000 ट्रीज को साउथ दिल्ली में काटा जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट चलो. फेस्ड विद सीवर क्रिटिसिज्म, द नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन टास्क विद रीडेवलपमेंट हाफ अ डजन साउथ दिल्ली कॉलोनीज ऑन मंडे अश्योर द दिल्ली हाई कोर्ट. ये जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन है, इसने दिल्ली हाई कोर्ट को बोला है कि भाई नो ट्रीज वुड बी कट फॉर द प्रोजेक्ट टिल जुलाई 4. कह रहा है कि जुलाई 4 तक हम कुछ नहीं काटेंगे, इस कॉर्पोरेशन ने बोला है. तो यार ये तो टेम्पररी रिलीफ है ना, विच इज टेम्पररी रिलीफ. 4 जुलाई बाद आप सब काट दोगे. ओके, मैनी ऑफ द ट्रीज प्रपोज टू बी फेल्ड. जो बहुत सारे जो पेड़ है उनमें से जो इनको काटा जा रहा है आर मैच्योर. वो क्या है, मैच्योर है मतलब बहुत बड़े हो गए हैं, एज उनकी ज्यादा है. लोकल फ्रूट बियरिंग वन दैट प्रोवाइड क्लीन एयर, और उनसे क्लीन एयर मिलता है, शेड मिलता है, छांव मिलती है, पानी मिलता है, सब कुछ तो मिलता है यार. और ह्यूमंस के लिए और वर्ड्स के लिए सबको वो बेनिफिट कराता है. ठीक है, दीज एरियाज ऑफ दिल्ली, कौन से एरिया, इस साउथ दिल्ली वाला एरिया, इसी टाइप के जो एरिया और भी हैं, दीज एरियाज ऑफ दिल्ली हैव सर्व्ड एज द लंग्स ऑफ द सिटी. मतलब कि ऑक्सीजन हमको वहां से मिलता है, ये मोटा मोटा आप समझ जाओ. तो फाइनली यू हैव अंडरस्टूड द पैराग्राफ. तो क्या है, साउथ दिल्ली के लोग दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट्स ऑर्डर टू कट 14,000 ट्रीज. ओके, और वहां का जो कॉर्पोरेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसने बोला है दिल्ली कोर्ट को बोला है, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट को बोला है कि हम 4 जुलाई तक कुछ भी नहीं काटेंगे, विच इज अ टेंपरेरी रिलीफ. और वो जो पेड़ काटे जाने वाले हैं वो क्या है, बहुत एज वाले हो गए, उनसे बहुत ज्यादा हेल्प होता है, एनवायरमेंट को, वर्ड्स को, ह्यूमंस को, सबको हेल्प होता है. ठीक है ना, ये कहानी है. कहानी समझ में आ गई आपको, मैंने ट्रांसलेट कर दिया. अब नाउ इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, और अगर आप नहीं पकड़ पाओगे तो देन ऑफकोर्स आई एम हेयर टू हेल्प यू. आओ भाई चलो सब लोग चेक करते हैं. All right, all right, all right.
ठीक है, ए बी सी एंड डी, वी हैव फोर डिफरेंट रिस्पॉन्सेस, ठीक है, कि नेक्स्ट वाला सेंटेंस कौन सा आएगा, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं क्विकली, ठीक है। वीडियो का पॉज तो नहीं कर सकते अगर लाइव है, लेकिन अगर आप बाद में वॉच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अगर बाद में वीडियो को देख रहे हो तो पॉज करो और अपने आंसर लगाओ, तब फिर मेरी बात सुनना, समझ गए। ओके, स्टिल आई एम गिविंग यू सम टाइम। देखो न्यू थॉट हो रहा है, इररिलेवेंट हो रहा है कि नहीं, स्किल चेंज हो रहा है कि नहीं, और ये सारी बातें चेक करो। ओके, ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आई होप आपने अपना आंसर बना लिया होगा, ठीक है। हाउएवर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट मतलब यही जो काटने वाला रिपोर्ट, मतलब वो जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो आया हुआ है, ओवरलुक दीज क्वालिटीज। कौन सी क्वालिटीज? जो पेड़ों के अंदर, जो वो ट्रीज के अंदर क्वालिटीज हैं, एयर, वाटर, द होम फॉर मेनी वर्ड्स, है ना, एंड द एरियाज हैव सर्व्ड एज द लंग्स ऑफ द सिटी, है ना। तो ये वाली जो क्वालिटीज हैं उसको वो रिपोर्ट ओवरलुक कर रहा है। ओवरलुक मतलब नजरअंदाज कर रहा है, नॉट कंसिडरिंग द बेनिफिट्स। तो यार ये तो मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन मैंने बोला है ना, माई करेक्ट आंसर तब करेक्ट आंसर है जब रिमेनिंग ऑप्शन को आप रूल्ड आउट कर दो, समझ गया। ओके ओके, चल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, लार्ज कंस्ट्रक्शन हैव बीन डिफिकल्ट टू मैनेज इन इंडिया। वेट वेट वेट, कितने लोगों को समझ में आया कि भाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ दिल्ली। पहली पहली बार देखो, अभी तक इतने क्वेश्चन हम करते आए, अभी तक स्केल चेंज नहीं हुआ था। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केल, जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना स्केल वाली, देखो यहां पे चेंज हुआ है। ये मैंने आपको बताया था एस सी ए एल ई, ये आपको दिख रहा है, ये स्केल चेंज हो गया। मतलब अरे हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर कर रहा साउथ दिल्ली की। तो यहां पे क्या है, हमारा स्केल छोटा था, मैंने हमने बड़ा कर दिया, इस ऑप्शन ने बड़ा कर दिया, इसलिए दिस ऑप्शन रूल्ड आउट। ओके चलो, दिस वन रूल्ड आउट। सी को रीड करते हैं, कौन बताएगा? द मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट, वेट वेट, मिनिस्टर की बात कहां से आ गई बे, मिनिस्टर की बात ऊपर थी नहीं। दिस इज अ न्यू थॉट, अलर्ट अलर्ट, न्यू थॉट, और न्यू थॉट के लिए हम लोग गोली मारेगा, मैंने इसको क्रॉस करके गोली मार दी, ठीक है। आप भी यही करना है, Whenever you encounter new thought, आपके अंदर का रोबोट जाग जाए और वो बोलेगा अलर्ट अलर्ट। चलो ये वाला देखो, डी, द गवर्नमेंट्स कुड जॉइन हैंड्स बाय कमिटिंग टू रिव्यू दीज प्रोजेक्ट्स। हाँ प्रोजेक्ट तो वही लग रहा है मुझे, लेकिन ये गवर्नमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? एक बात बताओ, दिल्ली में अगर पेड़ काटने की बात हो रही है तो वो कहां का केस है? दिल्ली गवर्नमेंट का है। अब दिल्ली में मल्टीपल गवर्नमेंट थोड़ी है, एक ही गवर्नमेंट होता है कि नहीं? तो ये गवर्नमेंट्स बोल के डिस्टॉर्ट कर दिया है, ठीक है ना। इसने मेरा क्या प्रॉब्लम किया है, डिस्टॉर्ट, ठीक है ना, कहानी को चेंज कर दिया। एक ही गवर्नमेंट थी दिल्ली में, वो ये कह रहा है गवर्नमेंट्स, इसका मतलब है इसने कहानी को चेंज कर दिया, इसलिए बहुत गंदी मौत मारा गया, ये वाला भी गया। डी रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन, सी रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ न्यू थॉट, ठीक है ना। Can you see this one? New thought. मैं लिख देता हूं, वैसे आप समझ तो रहे, ठीक है। And be ruled out because of skill, ठीक है ना। देखो जो मैंने आपको tricks पढ़ाई थी, अब आपको दिख रहा है कि नहीं? पक्का देखेगा, ठीक है। Keep watching my videos, पक्का देखेगा। और प्लस पे अगर आप मिलोगे तो वहां पे तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका घर पे अगर आप पढ़ भी नहीं पाते ना इंग्लिश, तो एटलीस्ट मेरी क्लास में बैठे रहो लाइव, ठीक है ना। दिस इज वॉट एटलीस्ट यू शुड डू, ठीक है ना, इफ यू आर सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर ड्रीम। ओके, अगर इतना भी नहीं हो तो यार फिर तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है? अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में बताते जरूर रहना भाई, ठीक है। किसी पार्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि सर आपका कीवर्ड अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है, होता क्या है मुझे बताओ, हो सकता है, ठीक है ना। सर आप ये स्केल क्या बोले समझ में, न्यू थॉट सर क्या बोले मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो मैं उन चीजों को अपने नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड करूंगा। आई विल ऑलवेज रीड द कमेंट्स, एंड वैसे मुझे पता है आप लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है, इसीलिए तो मैंने बोला कि लोग आंख बंद करके कुछ डाउट मत लाओ, सुन लो स्टोरी, सारे आंसर आप मिल जाएंगे आपको। बट अगर फिर भी आपका दिमाग अगर एक्स्ट्रा चल रहा है, लगता है कि बहुत ज्यादा, अगर पेशेंस आपके अंदर नहीं है
मेरे 20 कोर्सेज को रीड करने का, तो लिखो कमेंट में, मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में पक्का उन बातों को इंक्लूड करूंगा, ठीक है ना, कि अच्छा तुमको ये समझ में नहीं आया था, ये समझ में नहीं आया था, ओके। हो सकता है किसी और के डाउट से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड, मेरा यूट्यूब पर एक चार्ट आ जाएगा जहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स होंगे, क्या क्या क्लास होंगी, किस टाइम पे होंगी, उसको प्रिंट आउट लेके रख लेना, उसकी फोटो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और फॉलो करते रहना, ठीक है ना। एंड दिस इज वॉट यू कैन डू, है ना, यू आर डूइंग अ फेवर फॉर यू, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो भाई, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिक्स नंबर, ठीक है, आओ भाई जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर देखो, द डिजिटल स्टोरी टेलिंग मूवमेंट स्टार्टेड इन द अर्ली 1990s, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, डिजिटल मतलब ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग, तो आप जानते हो। मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अर्ली 1990s में विद परफॉर्मेंस आर्टिस्ट सच एज सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एशली, ओके, बट द टेक्निक इज जस्ट बिगिनिंग टू टेक होल्ड, मतलब अब स्टार्ट हो रहा है, ये टेक होल्ड मतलब पॉपुलर हो रहा है, ठीक है ना। द टेक्निक, कौन सी टेक्निक, ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग इज जस्ट बिगिनिंग टू टेक होल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ ई बिजनेस, ओके, ठीक है। जो ई बिजनेस है, हमारी इंटरनेट बिजनेस है, वहां पर ये वाली टेक्निक अब पॉपुलर हो रहा है, ओके। एट लास्ट फॉल्स नेशनल डिजिटल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल, एक स्टोरी टेलिंग का फेस्टिवल हुआ था भाई, ठीक है ना, लास्ट ईयर, तो ठीक है, नियरली हाफ ऑफ द पीपल साइंड अप, कहाँ हुआ था, ये वाली जगह पर हुआ था, नियरली हाफ ऑफ द पीपल साइंड अप रिप्रेजेंटेड कॉर्पोरेशन, ओ वो जो फेस्टिवल हुआ था ना स्टोरी टेलिंग का, वहां पे जितने लोग आए थे, 100 लोग आए, तो उसमें 50 लोग पता है कहां से थे, कॉर्पोरेशन बिजनेस वाले थे, टाटा बिरला अंबानी समझे कि नहीं, इनकी जो कंपनीज हैं रिलायंस, ठीक है, वहां से लोग थे, गूगल एप्पल, ठीक है, वहां से लोग थे कॉर्पोरेशन से। द स्टोरीज दैट पीपल आर टेलिंग ऑन द वेब अराउंड कॉर्पोरेट ब्रांड्स आर अस्टाउंडिंग, ठीक है, जो लोग कहानियां बता रहे हैं ना इंटरनेट पर, बहुत अस्टाउंडिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत पावरफुल है। सीरियसली, नॉलेज इज बेस्ट शेयर्ड एंड रिमेंबर्ड थ्रू अ गुड स्टोरी, जो नॉलेज होती है उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, बेस्ट शेयर्ड एंड रिमेंबर्ड थ्रू, अगर एक अच्छी स्टोरी के थ्रू अगर आप पढ़ाओगे, अच्छी स्टोरी के थ्रू आप एक नॉलेज दोगे तो वो ज्यादा याद रहेगी, ठीक है। एंड कंपनीज आर जस्ट स्टार्टिंग टू कैच ऑन, जो कंपनीज है ना कॉर्पोरेशन, दीज कंपनीज आर जस्ट स्टार्टिंग टू कैच ऑन, मतलब कि वहां पे पॉपुलर हो रहा है, ओके, टू ऑल दिस दैट कैन मीन, समझ गए ना। चलो भाई अब हम लोग चलो चेक करते हैं क्या होने वाला है। तो इफ सो डिजिटल स्टोरी टेलिंग विल सी दैट कंप्यूटर प्राइस कंटिन्यू टू प्लम्पेट, अरे कंप्यूटर प्राइस कहां से आ गया, ये वाली बात तो नहीं लिखी, दिस अ न्यू थॉट रोल्ड आउट, ओके। डिजिटल स्टोरी टेलिंग विल हाई स्पीड डेटा, अरे हाई स्पीड डेटा ऑल्सो न्यू थॉट रोल्ड आउट, ठीक है ना, ओके। और देखो अब देखो ये क्या लिखा है, ये वाला देखो, लेस पॉपुलर मुझे पहले नजर पड़ गया, अरे मेरे तो डिजिटल स्टोरी टेलिंग क्या है, वो तो पॉपुलर हो रहा है, और ये कह रहा है लेस पॉपुलर, इसने क्या कर दिया, डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट कर दिया, कहानी को चेंज कर दिया, कहानी थी इसने टोन चेंज कर दी, डिस्टॉर्शन तो क्या है, क्या देखो टोन का एग्जांपल मिल गया, परफेक्ट एग्जांपल फॉर टोन, इसने टोन चेंज, मेरी टोन थी प्लस और इसने क्या कर दिया माइनस, तो ये गलत हो गया और दिस इज करेक्ट। तो देखो ये डी वाला क्या कह रहा है, इफ सो डिजिटल स्टोरी टेलिंग विल ओनली बिकम मोर पॉपुलर, और यही वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये न्यू थॉट ये टोन खराब हो गई है, समझ गया। अब सी वाले को भी देख लेते हैं, इफ सो डिजिटल स्टोरी टेलिंग विल हेल्प कंपनीज टू नो मोर देन व्हाट दे न्यू अर्लियर, नाउ हमें पॉपुलरिटी की बात हो रही थी इसलिए हमारे पास डी करेक्ट आंसर है, देख रहे हैं आप लोग, तो ट्रिक्स आर वर्किंग, और कैट जीमेट बैंक SSC कहीं का भी क्वेश्चन हो हर जगह काम करेगा, बहुत यूनिवर्सल चीज है। चलो हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लो जल्दी से क्विकली, मैं पूरा करा देता हूं। टीचिंग क्रिसनेस इन अमेरिकन पब्लिक स्कूल हैज बीन आउटलॉड सिंस 1987 एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट, क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट यहां पर लिखा हुआ है, ओके, टीचिंग क्रिसनेस लिखा हुआ है, ओके। रिलीज मटेरियल इन द साइंस क्लास वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन रिसेंट ईयर्स, हाउएवर ओपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना, एवोल्यूशन वाला, फर्स्ट डेवलप्ड बाय चार्ल्स डार्विन हैव रीग्रुप्ड चैलेंजिंग साइंस एजुकेशन विद द डॉक्ट्रिन ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन व्हिच हैज बीन केयरफुली स्ट्रिप्ड ऑफ रेफरेंसेस टू गॉड, देखो गॉड का रेफरेंस यहां पे आया हुआ है, ओके। एंड रिलीजन, अनलाइक अ ट्रेडिशनल क्रिएशनिज्म व्हिच क्लेम्स दैट गॉड क्रिएटेड द अर्थ इन सिक्स डेज,
गॉड ने छलन में दुनिया बनाई थी ये वाला बिलीफ. प्रोपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन से द वर्किंग्स ऑफ दिस प्लैनेट्स आर टू कॉम्प्लेक्स टू बी एस्क्राइब्ड टू इवोल्यूशन. देयर मस्ट हैव बीन अ डिजाइनर, देयर मस्ट बीन अ डिजाइनर वर्किंग टू अ प्लान दैट इज अ क्रिएटर. तो ये कहानी है. अमेरिकन पब्लिक स्कूल्स की बात हो रही है यहाँ पे, कोर्ट की बात हो रही है, टीचिंग क्रिएशन ये टॉपिक है हमारा, गॉड की बात हो रही है और ये दुनिया बनाने के छदन की बात हो रही है और इसकी ये लिखा हुआ है. अब हम लोग चलो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सी हमारा करेक्ट हो सकता है. हाउएवर दीज काइंड ऑफ टीचिंग्स आर अनएक्सेप्टेबल अमेरिकन पब्लिक. देखो अमेरिकन पब्लिक गलत हो गया, पूछो कैसे. हमको तो अमेरिकन पब्लिक स्कूल की बात कर रहे थे. अमेरिकन पब्लिक में क्या है हमारा, क्या चेंज कर दिया इसने, इसने देखो स्केल चेंज कर दिया, ठीक है ना, या फिर डिस्टॉर्शन कर दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो, डिस्टॉर्शन कर दिया इसने, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. हाउएवर देयर आर मेनी स्कूल्स दैट आर इन फेवर ऑफ टीचिंग ट्रेडिशनल क्रिएशन. कह रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स फेवर में है, लेकिन हमारा तो सुप्रीम कोर्ट की बात आई थी ना, वो इसमें मिसिंग है. चलो अब चलो इसको देखते हैं. हाउएवर सच बिलीफ, देखो बिलीफ मतलब गॉड ने क्रिएट किया था दुनिया को छह दिन में, वो बिलीफ ही तो है ना, विश्वास. बिलीफ्स आर नॉट सब्सटेंशियल इनफ टू कन्विंस द अमेरिकन कोर्ट. देखो अमेरिकन कोर्ट भी आ गया यहाँ पे, ठीक है, बिलीफ आ गया गॉड वाली बात, कोर्ट टीचिंग मतलब क्रिएशनिज्म और इट्स ए स्कूल, कहाँ की स्कूल, अमेरिका की स्कूल, तो अमेरिकन स्कूल आ गया, अमेरिकन कोर्ट आ गया, बिलीफ्स आ गया, टीचिंग आ गया, तो लगता है मेरे को यह करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन डी चेक करते हैं. हाउएवर द अमेरिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट स्टूडेंट मस्ट, देखो अमेरिकन गवर्नमेंट का तो वहां पर कहीं थॉट ही नहीं था, ये गलत हो गया. हमारा अमेरिकन कोर्ट अलग होता है, अमेरिकन गवर्नमेंट अलग होता है, तो ये वाला रूल्ड आउट हो गया, ठीक है. हाउएवर सम बिलीव दैट पेरेंट, पेरेंट की तो बात बिल्कुल न्यू है, इसको तो रूल्ड आउट करो. तो देख रहे हो कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, इन वीडियोस को बार बार वॉच करो और देखो इनको, ठीक है. चलो तो आपने क्या करना है कि अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लो एंड आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड लाइक शेयर एंड कमेंट. और कमेंट में पता है आपको क्या करना है कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लग रहा है एंड कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज बात आप नहीं समझ पा रहे हो, उन कुछ चीज को लिखो, ओनली देन आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है. और फिर मैं तो कहता हूं कि जो बोल रहा हूं उसे सुनते चले जाओ, प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जानी है, ठीक है. ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, ऑल द बेस्ट.